अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए आज आपके लिए बहुत ही अच्छा एक बिजनेस आइडिया लाए हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसा बिजनेस आइडिया है जो 12 महीने चलने वाला है और इस बिजनेस से आराम से आप 5000 रुपये रोज प्रॉफिट और महीने के 1.5 लाख रुपये कमा सकते हैं। बहुत ही यूनिक और ट्रेंड वाला बिजनेस आइडिया है। सिर्फ इतना है कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर कार पार्किंग ही होती है, क्योंकि कैसा है, बड़ी बड़ी सिटी के अंदर जो घूमना है, फिरना है, मार्केट में जाना है, तो हर जगह 4 व्हीलर 2 व्हीलर लेके नहीं जा सकते। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो है वो पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं। पार्किंग का जो बिजनेस है बहुत अच्छा बिजनेस है। इतना है कि इसमें पैसा बड़ा लागत भी लग सकती है। अगर आपके पास में खुद की ज़मीन है तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि कैसा है, अगर आपके पास में ज़मीन खुद की नहीं है तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं मैं बताता हूँ, क्योंकि आज जो है ना पार्किंग की सख्त ज़रूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर पार्किंग के एरियाज होते हैं, पार्किंग अवार्ड होते हैं, बड़े बड़े जो है पार्किंग के एरियाज होते हैं, तो पार्किंग आप जो है ना गवर्नमेंट का जो जगह होती है पार्किंग की, समझ लीजिए बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया या फिर कोई पब्लिक प्लेस हो गया, तो वहाँ पार्किंग के गवर्नमेंट के ही प्लेस रहते हैं, तो आप इसका भी टेंडर ले सकते हैं। अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको टेंडर लेकर भी जो है ना 4 साल 5 साल ये जो है ना बिजनेस कर सकते हैं। इसके अंदर पैसा आपको इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि पार्किंग टेंडर लेने के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, 5 से 7 लाख 10 लाख रुपये भी लग सकते हैं। और अगर आप ये पार्किंग का काम शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और दूसरी बात, अगर किसी की जगह है, प्लेन है और जो है ना वो खाली प्लॉट पड़ा है, बहुत बड़ा समझ लीजिए, जिसके अंदर 1.5 एकड़ जगह है और थोड़ा सा गांव के बाहर भी है तो भी चलेगा, क्योंकि कैसा है पार्किंग की जो जगह होती है, अगर मेन मार्केट में लेते हैं तो करोड़ों रुपए का जो है ना ये लागत होती है, और कोई मेन मार्केट के अंदर अपने बड़े बड़े प्लॉट, बड़ी बड़ी जो खेतियाँ खाली नहीं रखते। तो आप थोड़ा सा गांव के, थोड़ा सा अगर दूर भी होता है, मार्केट से थोड़ा दूर भी होता है, तो लोग अपनी गाड़ियाँ पार्क करने के लिए आते हैं। जैसा कि मैं इससे पहले अमरावती गया था मार्केट में घूमने के लिए, तो वहाँ पे मुझे कार पार्किंग में कार लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ छोटे छोटे जो है ना रोड होते हैं और ट्रैफिक बहुत होता है, ट्रैफिक पुलिसों का बहुत ये होता है, क्या बोलते हैं उसका, लगान नहीं देते हैं रोड पर, तो वो लोग जो है ना क्या करते हैं कि पार्किंग में लगाने का बोलते हैं। और पार्किंग जो है ना मैंने लगाया तो 50 रुपये एक गाड़ी का दिया था, जिसके अंदर 24 घंटे आप पार्किंग रख सकते हैं, उसने बाकायदा पावती भी दिया था मुझे। तो इस तरीके से अगर आप पार्किंग का काम शुरू करते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग, अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो गवर्नमेंट के टेंडर ले सकते हैं, या फिर जो है ना आप किसी का अगर बड़ा खेत है, छोटा सा खेत है, समझ लीजिए 1.5 एकड़ 2 एकड़, या फिर बड़ा प्लॉट है 10,000 20,000 स्क्वायर फुट का, तो आप उसका जो है ना रेंट पे लेके भी पार्किंग का वहाँ काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आज एक पार्किंग के जो है ना कम से कम 4 व्हीलर के 50 रुपये ले रहे हैं। आप सोचिए, सिर्फ दिन भरे में आपके पास में 50 से 60 भी गाड़ी आई, 60 गाड़ी भी आई, 50 रुपये एक गाड़ी वाले ने दिया तो 3,000 रुपये हो गए। और एक 2 व्हीलर वाले से 10 रुपये 20 रुपये लेते हैं, तो 10 रुपये भी पकड़े तो 200 भी आपके पास में 2 व्हीलर अगर रही तो 2,000 रुपये वो हो गए। 5,000 रुपये रोज आप इसमें कमाते हैं, बिजनेस करते हैं, और महीने के 1.5 लाख रुपए होते हैं और सालाना 18 लाख रुपए कमाते हैं। ये बहुत ही अच्छा यूनिक बिजनेस है, ट्रेंड वाला बिजनेस है। इतना है कि आप अगर आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो आप टेंडर लें, टेंडर नहीं लेते हैं तो किसी की ज़मीन अगर खाली पड़ी है तो उसे रेंट पर ले लें बिजनेस के लिए। तो इस तरीके से आप काम करते हैं तो आपका बहुत आसान होगा, या फिर आपकी खुद की ज़मीन है तो बहुत ही अच्छा। और इसके अंदर इतना ही ख्याल रखना है कि आपको मेहनत करना है, दिल लगन से काम करना है, और पार्किंग के लिए आजू बाजू में जो है ना तार का वॉल कंपाउंड बना ले, ज़रूरी नहीं कि पक्का वॉल का कंपाउंड रहे,
तार कंपाउंड बना ले, जाली का कंपाउंड बना ले, ये बहुत कम पैसे में भी हो जाता है। और दूसरी बात जो है, इसके अंदर थोड़े सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि गाड़ियाँ चोरी ना होने पाए, और जो है ना आपको एक दो जने रखना पड़े, एक शख्स रखना पड़ेगा वहाँ पे देख रेख के लिए, और पावती फाड़ के जो है ना पैसे लेने के लिए। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, इतना है कि आपको इस पे मेहनत करना है, दिल लगन से काम करना है। और ये जो बिजनेस है ये ट्रेंड और क्रेज़ वाला है, और अभी जो है ना बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर बहुत ज़रूरत वाला है। मैं एक बार जो है ना नागपुर गया था खरीदी के लिए, तो वहाँ पे जो है ना मुझे मार्केट के अंदर जाना था, तो कहीं पे जो है ना कार पार्किंग की जगह नहीं, सब तरफ दुकानें लगी और दुकान के सामने कोई गाड़ी खड़ी कर नहीं दे रहा। और चौक पे अगर रोड से साइड गाड़ी लगाते हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं लगा दे रहे, या तो चालान 500-600 रुपये का फाड़ते। तो मैंने क्या करा कि वहाँ पार्किंग देखा, तो वहाँ पूछा एक दो जनों को, तो उसने बताया कि इस रोड के सीधा जाओ, थोड़ा आगे जो है ना पार्किंग एरिया है, वहाँ पार्किंग करो। तो मैंने देखा कि पार्किंग एरिया है, तो बहुत बड़ा पार्किंग एरिया नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो 3,000 से 4,000 स्क्वायर फुट की प्लेन जगह थी। तो इस तरीके से कैसा है, ये आज बहुत ट्रेंड वाली चीज़ है और बहुत ज़रूरत वाली चीज़ है। अगर आप इस तरीके से समझ लो काम करते हैं, आपकी खुद की ज़मीन नहीं है तो भी आप काम कर सकते हैं, रेंट पे लेकर ज़मीन काम कर सकते हैं, उस पर बिजनेस कर सकते हैं, या फिर टेंडर लेकर गवर्नमेंट के भी आप काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशन होते हैं, बस स्टैंड होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पार्किंग की जगह होती है, तो ये टेंडर बेस पे जो है ना लोगों को दी जाती है 3 साल 4 साल 5 साल। तो आप भी इसमें अप्लाई करके अपने जो है ना बहुत अच्छी पार्किंग बिजनेस कर सकते हैं, और इससे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हम इस तरीके से नए नए बिजनेस आइडिया पर वीडियोस लाते रहते हैं, तो हमारी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।